तो हेलो दोस्तों, मैं नाम है पल्लवी कुमारी। आज मैं आपके इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो और कैसे उसको ठीक रख सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई लोगों के दोस्तों देखते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और कई के बहुत लो होते हैं, तो दोस्तों उन्हीं के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें बताने वाली हूँ कुछ तरीके जिनकी मदद से जिनके हाई हैं ब्लड प्रेशर, वो कैसे अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं और ठीक रख सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको आंवला लेना है, कि दोस्तों कि आंवले में बहुत प्रोटीन, विटामिन, फैट होते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको जो ब्लड प्रेशर हाई है वो इससे मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक रोज़ आपको क्या करना है दोस्तों कि आप जब भी सवेरे उठते हो, खाना खाने से पहले या फिर बाद में या फिर जब आपका ब्लड प्रेशर देखते हो कि कब बहुत हाई हो गया है, जब आपको क्या करना है दोस्तों कि एक आंवला लेना है, एक कोली में आपको एक से दो चम्मच शहद ले लेना है और उस आंवले को उसमें डुबो डुबो के खाना है। इससे क्या होगा जो हाई हुआ रहेगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको मेथी लेना है और आपको अजवाइन लेना है और एक गिलास गुनगुना पानी करना है। आप जब भी देखते हो कि आपको जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जल्द से जल्द आप एक गिलास गुनगुना पानी कर लें और उसमें मेथी के दाने और उसमें आपको जो अजवाइन डाल लें, जब वो पानी काफ़ी हद तक कम हो जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है वो आपको पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। आपको तीसरा नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध, हल्दी वाला दूध जरूर पिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो रोज़ सही रहे, इसलिए आपको रोज़ शाम को क्या करना है कि हल्दी वाला दूध पीना है। अब मैं आपको चौथा नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप जब भी सब्ज़ी बनाते हो या फिर आपके घर में कोई सब्ज़ी बनाने आता है तो उनको कह देना है कि इसमें कम नमक डालना है। जब आप कम नमक डालोगे तो इससे क्या होगा कि आपका बीपी हाई नहीं होगा। कम नमक खाओगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बीपी हाई नहीं होगा और कंट्रोल में रहेगा और आप खुश रहोगे। अब मैं आपको लास्ट नुस्खा बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्ज़ियाँ खाने, फ्रूट खाने या फिर आपको फ्रूट का जूस पीना है या फिर आपको सब्ज़ियों का जूस पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहती हूँ आप करेला का जूस ज़रूर पिए। अगर आपको करेला का जूस ज़्यादा तीखा लगता है या फिर कड़वा लगता है तो आप उसमें कुछ और मिक्स करके पी सकते हो, या जैसे कि आपको छुहारा, किशमिश, आपको ऐसे जो मीठी चीज़ें या फिर चीनी डाल के आप थोड़ी थोड़ी, कम से कम एक दिन में आप एक चम्मच, दूसरे दिन में दो चम्मच, तो ऐसे करके आप अपने करेले के जूस पीने की क्षमता बढ़ा सकते हो। पहले एक चम्मच, फिर दो चम्मच, फिर तीन चम्मच, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो कि आप कितने चम्मच पी सकते हो और धीरे धीरे करके आप एक गिलास पीने लग जाओगे। फिर आप देखोगे कि जो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता था अब वो ठीक रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।